आप नेक्स्ट टू नाइन न्यूज, आप सभी का एक बफर से है स्वागत हमारे चैनल में, जहां मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आज का ये खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में दोस्तों हम आपके बीच बात करने वाले हैं बॉलीवुड की डांसिंग डिवा, 80s की सुपर हिट एक्ट्रेस और आज भी अपने डांस से दीवाना बनाने वाली माधुरी दीक्षित के बारे में। 55 की हो रही माधुरी दीक्षित जितने फिट, जितने स्लिम, जितने यंग, जितनी खूबसूरत, जितनी एक्टिव और जितनी हैप्पी है, एक एग्जाम्पल है वो अपने आप में एक्ट्रेसेस के लिए, क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया। सबसे बड़ा डिसीजन था उनका अपने जिंदगी का करियर के पीक पर शादी रचाकर घर बसाना। जी हाँ, श्रीराम माधव नेने के साथ माधुरी दीक्षित ने घर बसा लिया, शादी रचा ली और शादी के बाद उनकी जिंदगी काफी बदल गई। लेकिन माधुरी के हस्बैंड ने अपना काम इस तरह किया कि करोड़ों के तो वो मालिक बने, साथ ही साथ अरबों की कमाने के बाद उन्होंने इंडिया में भी जबरदस्त काम किया। इस पूरे लॉकडाउन में भी वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर कैसे अपने प्रोफेशन की वजह से स्ट्रांग बने रहे और उनकी अपनी इनकम को बनाकर रखने के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है, इसके लिए जरा देखिए आज की स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड की धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित इन दिनों अपने शो डांस दीवाने के सेट पर जिस तरह से कहर ढा रही हैं, जिस तरह से डांस का तड़का लगा रही हैं, हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, क्या वाकई में माधुरी दीक्षित उम्र के साथ और भी खूबसूरत होने के लिए कुछ अलग करती है? आपको देना चाहेंगे जवाब। दरअसल माधुरी वर्कआउट, योगा और डांस के अलावा कुछ अलग नहीं करती। वेल, उनकी खूबसूरती का सीक्रेट है उनका हैप्पी रहना। जी हाँ, पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ एंजॉय करने वाली माधुरी दीक्षित फिर से अपने शो डांस दीवाने के सेट पर बीते कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। खैर, आज माधुरी दीक्षित के हस्बैंड की हम आपको बात बताएंगे। वेल, धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित के हस्बैंड को आप देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा बीते कुछ टाइम से उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में बदलाव किया है। माधुरी से ज़्यादा उनके हस्बैंड हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव। पहले तो बतौर सर्जन अमेरिकन डॉक्टर श्रीराम माधव ने नए अमेरिका के डेनवर में वहीं पर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपने फील्ड में बेहतर कर रहे थे और इसके बाद वो आए अपनी पत्नी के साथ इंडिया, और इंडिया आने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने आप में किया है बदलाव, लोग ये देखकर काफ़ी रहे हैरान। खैर, माधुरी दीक्षित के हस्बैंड ने वाकई में जिस तरह से अपने आप में बदलाव किया है, तारीफ़ के तो काबिल है वो। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में आप सभी को, वाकई में माधुरी दीक्षित के हस्बैंड ने जिस तरह का बदलाव किया है सबसे ज़्यादा चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वो एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और डॉक्टर श्रीराम नेने का ऑफिशियल पेज है सोशल मीडिया पर। कार्डियोथोरैसिक सर्जन होने के साथ हेल्थ केयर इनोवेटर, एडवेंचरर और साथ साथ में हेल्थ को लेकर मीडिया और टेक और स्मार्ट सर्विसेज के ज़रिए वो देते हैं जानकारी। तो आपको बताना चाहेंगे कि हर दिन वो कुछ नए टिप्स देते हैं लोगों को। स्लीपलेस नाइट्स को लेकर उन्होंने टिप्स दिए हैं, लॉट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के पीछे के सीक्रेट्स उन्होंने बताए हैं। माधुरी अपने बच्चों के साथ मुंबई में ही अपनी पत्नी के साथ काफ़ी ज़्यादा बिजी रह रहे हैं पिछले कुछ समय से, लेकिन ये शायद आपको मालूम ना हो, माधुरी दीक्षित ने एक बार हस्बैंड के लिए कुछ ऐसा किया था जिसे लेकर उनके हस्बैंड ने खुशी जाहिर की थी वीडियो शेयर करते हुए, और उन्होंने लिखा था, गेटिंग डायरेक्टेड बाय द बेस्ट इन द बिजनेस, नॉट मच टू कंप्लेन इज देयर, वेल शी इज़ एन एब्सोल्यूट परफेक्शनिस्ट। माधुरी दीक्षित को लेकर श्रीराम माधव नेने ने ये कहा था। जी हाँ, हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर अपने इनकम को इस कदर बढ़ा रहे हैं इस तरह काम करते हुए, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। तो वहीं इसी के साथ साथ डॉक्टर श्रीराम नेने के ऑफिशियल साइट्स पर, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये कुछ फोटोज भी वायरल हुए हैं किस तरह से वो घर पर रहकर अपना पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं और अपना करोड़ों करोड़ों का बिजनेस संभाल रहे हैं।
श्री राम माधव नेने की बात की जाए तो उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था और लिखा था, थ्रू आउट आवर लाइफ वी वर्क हार्ड टू अचीव आवर गोल्स बट समटाइम्स द लाइंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ बैलेंस आर दिस कैन कम टू अ क्राइसिस व्हेन ओवरवर्क. Some new research may point to infant mortality with greater than 55 hours per week of work. ये कहा था श्री राम माधव देने ने. बताना आप आपको चाहेंगे हमारी खास रिपोर्ट में एक बफर से कि कैसे श्री राम माधव नेने लोगों को इंस्पायर करते हैं अपने काम से और साथ ही साथ में वो काफ़ी ज़्यादा घर पर रह के लोगों को इंस्पायर करते हैं किस तरह से वाकई में अपने आप को बेहतर रखना है. सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने जिस तरह से लोगों अलर्ट किया है ये शानदार है, इसकी तो हमेशा तारीफ की जाएगी. उन्होंने ये कहा था वर्ल्ड नो टोबैको डे पर भी कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है ख़ुद को संभालना. जी हाँ, एक सर्जन एक डॉक्टर होने के नाते अपने पेशे के साथ ईमानदारी क्या होती है इसे हमेशा ही साबित किया है श्री राम माधव नेने ने. उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था अपने पेशे को लेकर. उन्होंने कहा था, गिविंग अप टोबैको इज नॉट द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इफ इट ऑफन बिकम्स अ डीप सीटेड हैबिट दैट इज एडिक्टिव. एट द सेम टाइम इट इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, कैंसर एंड अदर हेल्थ इश्यूज. वॉश टू नो हाउ स्मोकिंग इफेक्ट्स द लाइफस्टाइल एंड लाइफ स्पैन ऑफ अ स्मोकर. ये उन्होंने शेयर किया था वीडियो के साथ कैप्शन. वजह इसकी ये थी कि श्री राम माधव ने घर पर ही लोगों को सीख दे रहे हैं बेहतर तरीके से अपने आप को हेल्दी रखने का, और यही उनका पेशा है, लोगों के हेल्थ के बारे में फिक्र करना, हेल्थ के बारे में सोचना और हेल्थ के बारे में बात करना. तो इस तरह से श्री राम माधव ने अपना भी काम कंप्लीट कर रहे हैं और करोड़ों का अपना बिजनेस भी संभाल रहे हैं. वेल, ये आप फ़ोटो देख सकते हैं, ये फ़ोटो तब की है जब उन्होंने ऑपरेट किया था, और फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, एज आई ऑपरेटेड डे इन एंड डे आउट एज अ हार्ट सर्जन, नर्सेज वेर ऑलवेज क्रिटिकल मेम्बर्स ऑफ माई टीम. इन COVID-19 दे हैव टायरलेसली वर्क टू सेव लाइफ, ऑफन रिस्किंग देयर ओन लाइफ like so many other frontline workers. Thanks for all you do. Happy an International Nurse Day, International Nurses Day 2021. Well, इस तरह से वो हार्ट का ऑपरेशन करते हुए कामयाब हुए, इस बात को भी उन्होंने लोगों तक लाया, और उनकी यही खासियत है जो लोगों के बीच उनकी अलग पहचान बनाती है. श्री राम माधव ने काफ़ी टैलेंटेड है, उनके टैलेंट और उनका यही पैशनेट होकर काम करना ही माधुरी दीक्षित को बेहतर पसंद आया. नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट. तो दर्शकों, आपने जाना हमारे आज के शो में बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के बारे में, उनके हस्बैंड श्री राम माधव नेने के बारे में, उनके इनकम सोर्स के बारे में. अरीन ब्रिया नेने दोनों ही बेटों के साथ भी अपना वो प्रोफेशन आगे बढ़ाते हैं. फिर चाहे सॉन्ग में अपनी पत्नी के साथ हिस्सा लेना हुआ, मराठी फिल्मों को डायरेक्ट करने के साथ प्रोड्यूस करने की बात हुई, या फिर हुई बात सोशल मीडिया पर अलर्ट जारी करने की, हर मामले में वो काफी ज्यादा इंस्पिरेशन बने हैं. खैर, श्री राम माधव नेने की स्टोरी आज की हमने पेश की है. अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का. फिल्मी दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ. नमस्कार.